हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर पाठशाला। हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर अगर अटेंड नहीं किया हो तो अटेंड करके आ जाओ, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। यह सेकेंड लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा है बेयरिंग कैपेसिटी। क्या होता है बेयरिंग कैपेसिटी? वो मैक्सिमम लोड जिसको हमारा स्ट्रक्चर सहले। सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल सहले, फाउंडेशन की बात हो रही है तो फाउंडेशन सहले। ऐसा मैक्सिमम लोड जिसको हमारा सॉइल बिना फेल हुए सहले, उसी को हम लोग उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। और फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी? फाउंडेशन अगर सहले मैक्सिमम लोड को बिना फेल हुए, तो वो फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी होगी। तो सेलो फाउंडेशन हेडिंग डाल लो, ठीक है ना? सेलो फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डीप फाउंडेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सेलो फाउंडेशन में पहला दिख रहा है अलाउबल लोड या फिर बेयरिंग प्रेशर शुड बी मिनिमम ऑफ दी टू क्राइटेरिया। मतलब ये बोलना चाह रहा है अलाउबल लोड या बेयरिंग प्रेशर वही होता है वो मैक्सिमम लोड जिसको हमारा फाउंडेशन सहले। तो वो मैक्सिमम लोड जिसको फाउंडेशन हमारा सहले, नीचे में जो दोनों क्राइटेरिया दिया गया है उसी में से मिनिमम अलाउबल लोड होता है, बोल रहा है। नहीं समझ आया? अलाउबल लोड या फिर बेयरिंग प्रेशर शुड बी मिनिमम ऑफ दी बिलो टू क्राइटेरिया। कौन सा दो क्राइटेरिया है आपका? एक शियर फेलवर और एक सेटलमेंट फेलवर। हम लोग जानते हैं हमारे फाउंडेशन में पहले पढ़ चुके हैं, ना तो शियर फेलवर होना चाहिए ना सेटलमेंट फेलवर होना चाहिए। एक फाउंडेशन हमारा अच्छा फाउंडेशन तभी होगा जब उसमें दोनों प्रकार का, ये दोनों प्रकार का फेलवर देखने को नहीं मिल रहा है। इनमें से कोई सा भी एक फेलवर देखने को मिला फाउंडेशन में, मतलब पूरा फाउंडेशन ही फेल हो जाएगा, हमारे सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा, सुपर स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है। अरे समझ में? तो इसीलिए बोला गया है इन दोनों में से जो शियर क्राइटेरिया है और सेटलमेंट क्राइटेरिया है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी के बराबर होगा हमारा अलाउबल लोड, ठीक है? उसी के बराबर होगा हमारा अलाउबल लोड, उससे ज्यादा नहीं होगा। आगे समझ में? अच्छा, यहाँ पर ये सियर फेलवर दिखाया गया है। फाउंडेशन में सियर फेलवर किस प्रकार से दिखता है? इससे पहले वाली क्लास में हम लोग सॉइल में देखे थे, सॉइल में किस प्रकार से सियर आता था। तो सियर यानी स्लिप हो जाता था सॉइल, तो सॉइल के स्लिप होने के कारण आपका फाउंडेशन भी इफेक्ट होता था। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? फाउंडेशन में कैसे सियर फेलवर होता है? जब सॉइल स्लिप होता है तो उसके कारण आपको दिख रहा होगा फेस ऑफ द कॉलम में फेलवर देखने को मिलता है। तो फेस ऑफ द कॉलम में जब फेलवर देखने को मिलता है तो कुछ इस प्रकार से जहां पर लोड लग रहा होता है वो मतलब समझ आ गया ना? ये डायग्राम देख के आपको समझ आ गया होगा कैसे फेल हो रहा है, मतलब लेयर टू लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर फेल हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सियर फेलवर बोल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्रेशर या फिर स्ट्रेस ऑन फाउंडेशन। देखो, बहुत सारे प्रेशर लगते हैं फाउंडेशन में। कौन कौन से प्रेशर होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। प्रेशर को स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया, है ना? तो देखो, सबसे पहले ग्रॉस प्रेशर देखते हैं। ग्रॉस नाम से ही क्लियर है, मतलब जो टोटल प्रेशर लग रहा है फाउंडेशन में। अपने को फाउंडेशन सामने दिख रहा है, ठीक है? हम लोग क्या किए, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा फाउंडेशन था ग्रीन कलर का। उसको जो ग्रीन कलर से बनाया उतना अपन गड्ढा किए। गड्ढा करने के बाद फिर क्या किया, उसका बेस वेस बनाए, सोलिंग किए, उसके बाद फुटिंग किए, ठीक है ना? ये क्या है आपका? फुटिंग है, या फिर फुट ऑफ फाउंडेशन भी बोलते हैं ना, फुट ऑफ फाउंडेशन है ये। और उसके बाद फिर ये कॉलम खड़ा हुआ है। तो टोटल प्रेशर किस किस के कारण लगेगा थोड़ा सोच के देखो। एक तो जो सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा है, ऊपर से जो लोड आ रहा है आपका, ठीक है ना? ये जो क्यू दिखाया है वो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है। दूसरा लोड हो सकता है सेल्फ वेट, मतलब ये जो फाउंडेशन का जो सेल्फ वेट है, फाउंडेशन का जो सेल्फ वेट है, इसके कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। और तीसरा हो सकता है ये जो बैक फिलिंग दिख रहा है, बैक फिलिंग। अरे समझ में? बैक फिलिंग मतलब क्या होता है? गड्ढा किए हो आप, फिर उसके बाद फिर फुटिंग बनाए हो, कॉलम खड़ा कर लिए, उसके बाद फिर गड्ढा को भरोगे भी तो ना, तो जो भरोगे ना उसी को अपन बैक फिलिंग बोलते हैं, ठीक? आगे समझ में बैक फिलिंग क्या होता है? अब आगे देखते हैं। इट इज द टोटल प्रेशर, देखो लिखा है ना, इट इज द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। किस किस के कारण जो प्रेशर लगता है? एक तो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग के कारण हो सकता है, दूसरा वेट ऑफ द सॉइल सरचार्ज के कारण हो सकता है। अच्छा, ये सॉइल सरचार्ज क्या होता है? जो आपका बेक फिलिंग हुआ है ना, तो मतलब ये जो सॉइल है, बेक फिलिंग का जो सॉइल है, ये सॉइल जो है आपके फाउंडेशन में जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरचार्ज बोलते हैं। आगे समझ में? तो वेट ऑफ द सॉइल सरचार्ज, इसके कारण भी आपका प्रेशर डेवलप होगा। और उसके अलावा अप्लाइड लोड, मतलब सुपर स्ट्रक्चर के कारण, ये क्या होंगे? सुपर स्ट्रक्चर के कारण जो आपका लोड आएगा आपके फाउंडेशन में, तो तीनों लोड को जोड़ दोगे तो टोटल लोड निकलेगा। टोटल लोड को फिर टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे फाउंडेशन के, है ना? और उसके अलावा ये जो है आपका डी एफ इंटू वाई, मतलब डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये क्या चीज है? ये हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है। ऊपर देखना,
या तो बेक फिल है या फिर बेक फिल नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि बेक फिल प्रोवाइड किया गया, मतलब फाउंडेशन खोदने के बाद जो मिट्टी था उसको फिर से फिल कर दिया गया है, बेक फिल प्रोवाइड किया गया है। तो जब बेक फिल प्रोवाइड करेंगे तो उस बेक फिल का के कारण भी स्ट्रेस लगेगा, तो वही स्ट्रेस आपका ये लिया गया है डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ये जो जितना भी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन था, स्ट्रेस ऐसे तो निकालते हैं ना, जो डेप्थ रहता है उसको हम लोग यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि डेप्थ तो चलो ठीक है, यूनिट वेट जब निकालोगे तो यहाँ पर आपका कॉन्क्रीट भी आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है नीला कलर वाला कॉन्क्रीट, और ये बेक फिल भी है इधर, ठीक है ना, बेक फिल भी है और कॉन्क्रीट भी है, बेक फिल मतलब सॉइल भी है और कॉन्क्रीट भी है। तो डेप्थ तो समझ आ रहा है, लेकिन यूनिट वेट जब हम लोग निकालेंगे तो सॉइल का यूनिट वेट भी लेना पड़ेगा और कॉन्क्रीट का यूनिट वेट भी लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ एज्यूम कर लिए हैं कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट होता है, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं आया, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मल्टीप्लाइड बाई गामा कर दिए हैं। अब वो गामा जो है ये यूनिट वेट ऑफ द क्या है, कुछ भी बोल लो, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल बोलो चाहे कॉन्क्रीट बोलो, क्योंकि दोनों को हम लोग बराबर एज्यूम कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका ग्रॉस प्रेशर निकला, कब निकला, जब हम लोग बेक फिल को कंसिडर कर रहे हैं। और जब बेक फिल को कंसिडर नहीं करेंगे तो ग्रॉस प्रेशर कितना निकलेगा, पी डिवाइडेड बाई ए एफ, ये आपका ग्रॉस प्रेशर आएगा ना। इस चीज को ध्यान रखना, जब हम लोग कंसिडर करेंगे बेक फिल को तब आपका ये निकलेगा, और जब नहीं करेंगे तब आपका पी डिवाइडेड बाई ए एफ, जितना टोटल लोड आ रहा है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फुटिंग। ओके, अब आगे देखें, देखो यहाँ पर लिखा है कि ग्रॉस प्रेशर किसी भी कंडीशन में स्पेसिफिक बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर हो सकता है या फिर कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता था, वो मैक्सिमम लोड जिसको फाउंडेशन सह सकता है। अब उससे ज्यादा हो जाएगा अगर ग्रॉस प्रेशर, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं हो जाएगा, फाउंडेशन कोलेप्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगला पॉइंट है नेट प्रेशर, ऊपर पड़े ग्रॉस प्रेशर। अब नेट प्रेशर जो भी ग्रॉस प्रेशर होगा उसमें हम लोग सरचार्ज को माइनस कर देंगे, एकदम आसान, जो भी ग्रॉस प्रेशर होगा उसमें हम लोग सरचार्ज को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रेशर निकल जाएगा। सरचार्ज क्या होता है, तो सरचार्ज ये होता है ना आपका डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंटू यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अच्छा, तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होता है, वेन बेक फिल इज प्रोवाइडेड, जब बेक फिल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखना, तो जो भी था क्यू जी मतलब ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू आप रखे ऊपर से ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डी एफ इंटू गामा करके डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंटू यूनिट वेट, और फिर सरचार्ज को आप माइनस भी कर रहे हो, तो सरचार्ज को माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ जितना भी टोटल लोड आ रहा है फाउंडेशन में और उस फाउंडेशन का एरिया, यही आपका नेट प्रेशर आता है जब आपका बेक फिल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब बेक फिल नहीं प्रोवाइड करेंगे, व्हेन बेक फिल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में फिर से शुरू वाला देखना, तो उसमें ग्रॉस प्रेशर माइनस क्या करोगे, सरचार्ज करोगे। लेकिन इस बार ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू पी डिवाइडेड बाई ए एफ होगा, और उसमें माइनस क्या कर देना है हमको, जो भी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंटू यूनिट वेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो निकलेगा जब बेक फिल नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलवर। मतलब ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होता है, ग्रॉस प्रेशर ऊपर पड़े, ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होता है जो कि बेस ऑफ द फाउंडेशन में लगता है, ठीक है, अप्लाई होता है विदाउट शियर फेलवर। आया समझ में, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू जिसके कारण हमारा फाउंडेशन फेल नहीं होता, जिसके लगने के कारण हमारा फाउंडेशन फेल नहीं होता, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जो कि हमारे फाउंडेशन में लगने के कारण भी हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होता, उसी को अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। या फिर इसको दूसरे ढंग से हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इन विच अवर फाउंडेशन जस्ट फेल, ठीक है ना, जस्ट फेल हो रहा है। दोनों तरीका समझ आ गया, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जिसके कारण हमारा फाउंडेशन फेल नहीं हो रहा है, या फिर वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जिसको हमारा फाउंडेशन सह ले रहा है ना, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जिसको हमारा फाउंडेशन सह ले रहा है, फेल नहीं हो रहा है, तो वही तो है आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। और दूसरा तरीका क्या बोला, वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जिसके कारण हमारा फाउंडेशन जस्ट फेल हो रहा है, सह नहीं पा रहा है, तुरंत फेल हुआ है, मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिसके कारण तुरंत फेल हो रहा है। आ रहा समझ में, जस्ट फेल हो रहा है, होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी था उसको सरचार्ज से माइनस कर दो, ठीक है।
यही तो करते हैं ना अपन, सब 4 से माइनस कर देते हैं। नेट नेट निकालना है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू यू से अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो भी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है उसमें सब चार्ज को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी बोल रहा है। नेट बेरिंग कैपेसिटी अपने को पता चल गया है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, और किसी भी वैल्यू का जब हम लोग सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये एफ जो दिख रहा है ना आपको, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नेट सेफ वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा समझ में? तो जो भी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो तो नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। अब उसके बाद फिर दिख रहा है सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालो, बोल रहा है सेफ बेरिंग, नेट सेफ अपने को पता है सेफ निकालना है, तो ये उल्टा हो गया। नेट सेफ हमको पता है सेफ निकालना है तो उसमें सरचार्ज को जोड़ देंगे तो सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। समझ आया ना, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालना है तो जो भी नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी था उसमें सरचार्ज को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद रिविजन करने के लिए, थोड़ा और कंसेप्ट को समझने के लिए सबकी वैल्यू पुट करके देखेंगे आप। देखो नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होता था, जो भी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होता था डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट किया हूं मैं, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी के, नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सरचार्ज। सरचार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंटू यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, चाहो तो पुट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकलता था, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस सरचार्ज से निकलता था, तो इसको भी आप पुट कर सकते हैं, नेट अल्टीमेट की जगह में अल्टीमेट माइनस सरचार्ज पुट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, नेट अल्टीमेट का वैल्यू डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सरचार्ज, ठीक। आगे समझ में, आपको याद बेसिकली ये रखना था, सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए नेट से प्लस सरचार्ज करते हैं, ठीक। ये सिर्फ समझाने के लिए बता दिया ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं, इसके बाद आपका फैक्टर अफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल, ये देखो ये एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा और ये इसको आप अपने से भी बता सकते हो एकदम, ये क्या है कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसको आप अपने से लिख सकते हैं, कॉलेज में भी लिखे होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल या फिर फाउंडेशन, ठीक है ना। अभी अभी फाउंडेशन की बात करें, सॉइल की बात नहीं करें, तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दी फाउंडेशन को क्या क्या इफेक्ट करेगा, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इफेक्ट करेगा, पहले ही बता चुका हूँ, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस जोन ऑफ द फाउंडेशन में नहीं आना चाहिए, इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ दी सॉइल इफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ दी सॉइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल इफेक्ट करेगा, कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल, ये सब होता है ना, तो अलग अलग सॉइल के कारण आपका बेरिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होगा। उसके बाद टाइप ऑफ फाउंडेशन इफेक्ट करेगा, फाउंडेशन अलग अलग प्रकार के, स्ट्रिप फाउंडेशन, रेक्टेंगल स्ट्रेप फाउंडेशन, बहुत सारे फाउंडेशन हम लोग देख चुके हैं पीछे, ठीक है, मेट फाउंडेशन, तो फाउंडेशन का टाइप भी इफेक्ट करेगा बेरिंग कैपेसिटी को। कुछ फाउंडेशन ऐसे होंगे जो ज्यादा लोड सहलेंगे, कुछ फाउंडेशन ऐसे होंगे जो ज्यादा लोड नहीं सह पाएंगे तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। साइज ऑफ द फाउंडेशन इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, साइज ऑफ द फाउंडेशन बोलने का मतलब फाउंडेशन का डेप्थ, फाउंडेशन का विड्थ, ये भी इफेक्ट करेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, जब अपने को ज्यादा सुपर स्ट्रक्चर हेवी बनाना रहता है तो हम लोग उतना ही ज्यादा गड्ढा कर दें, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, तो उसका हाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा उस केस में, तो साइज ऑफ द फाउंडेशन इफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस इफेक्ट करेगा, ग्राउंड सरफेस में बताया था तो स्लोपी ग्राउंड है ना, मतलब मैदानी क्षेत्र है, फ्लैट ग्राउंड है, तो वहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से अपने को फाउंडेशन भी लेना पड़ता है ना। और उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, नेचर ऑफ लोडिंग, लोडिंग किस प्रकार का है, हमारे सुपर स्ट्रक्चर का लोडिंग ज्यादा है कि कम है, ये सब तो इफेक्ट करेगा ही, कॉमन सेंस वाली चीज है, इनिशियल स्ट्रेस ऑन दी सॉइल, और सॉइल में किस प्रकार का स्ट्रेस लग रहा है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, ये सब सॉइल मैकेनिक्स का टर्म है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज, है ना। तो नॉर्मल नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो सॉइल रहेगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल रहेगा, इस प्रकार से अलग अलग सॉइल आते हैं, ठीक है, तो इनके कारण भी आपका बेरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होगा। उसके बाद फिर मोड ऑफ सियर फेलवर, ठीक है, तो ये जो फेलवर्स हैं, जो फेलवर्स हैं मतलब सॉइल की एक प्रकार से प्रॉपर्टी के कारण ये फेलवर होगा, ठीक है ना। तो लूज सॉइल रहेगा तो उसमें सियर फेलवर देखने को मिल सकता है, कहाँ मिलता है वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, तो सियर फेलवर भी एक प्रकार से इफेक्ट करेगा बेरिंग कैपेसिटी को। तो अगला टॉपिक यही सियर फेलवर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सियर फेलवर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो ये जो सियर फेलवर है उसको हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ शेयर फेलवर। तो इसमें सबसे पहला दिख रहा है अपने को जनरल शेयर फेलवर, ठीक
ठीक है, जनरल शियर फेलवर जिसको आपका डायग्राम सामने दिख रहा है, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है, ये जो है फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में स्ट्रेस जोन बना हुआ है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो लिखा है वो स्ट्रेस जोन है। स्ट्रेस जोन के बारे में बाद में बात करेंगे, तरजाएगी बताया है इसके बारे में, स्ट्रेस जोन के बारे में। तो अभी बस इतना समझ लो, ये जनरल शियर फेलवर के केस में स्ट्रेस जोन जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर तक पहुंच जाता है। ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर पहुंच जाता है स्ट्रेस जोन ऑफ दी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का जो स्ट्रेस जोन है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, जिसको हम लोग हीविंग या फिर बल्गिंग कहते हैं, हीविंग या फिर बल्गिंग कहते हैं। और ये जो स्लोप दिख रहा है, जो स्ट्रेस जोन का स्लोप दिख रहा है, इसी को फेलवर स्लोप कहते हैं। फेलवर स्लोप जो होता है जनरल सियर फेलवर के केस में वेल डिफाइंड फेलवर प्लेन होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड फेलवर प्लेन मिलता है अपने को। अब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, समझते जाना। जनरल सियर फेलवर सेलो फाउंडेशन में ऑकर होता है, समझ आ गया, जनरल सियर फेलवर सेलो फाउंडेशन में होता है, मीडियम टू डेंस सॉइल में होता है, मतलब कोहेजन लेस सॉइल में होता है, थोड़े कोर्स सॉइल में होता है, फाइन सॉइल में नहीं आता, मीडियम टू डेंस सॉइल में होता है, सेलो फाउंडेशन में होता है। एंड इस केस में, जनरल सियर फेलवर के केस में फाउंडेशन टिल्ट हो जाता है या फिर हो सकता है। उसके बाद फिर इसमें वेल डिफाइंड फेलवर प्लेन मिलता है, जैसे पहले ही बताया हूं मैं, वेल डिफाइंड फेलवर प्लेन मिलता है, जो फेलवर जो स्ट्रेस जोन का जो प्लेन है ना वो क्या मिलता है, वेल डिफाइंड मिलता है। उसके अलावा जनरल सियर फेलवर के केस में सडन फेलवर देखने को मिलता है, मतलब फेलवर से पहले इंडिकेशन नहीं देता। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना। और उसके अलावा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36 डिग्री। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो एक्चुअली में मोहर सर्कल बनता है, तो मोहर सर्कल, बहुत सारे मोहर सर्कल के थ्रू एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं अपन, मतलब कि टेंजेंट लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है, टेंजेंट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, टेंजेंट लाइन बोल दिए उसको। और वो जो टेंजेंट लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखना कि फाई को हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं, लिख लेना, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि आपका 36 डिग्री से बड़ा होगा, किस केस में, जनरल सियर फेलवर के केस में होगा। और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी तो सॉइल में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी आपका ग्रेटर देन 70% होगा जनरल सियर फेलवर के केस में। और वाइड रेशियो भी पढ़ चुके हैं, वाइड रेशियो आपका 0.55 से कम होता है। अच्छा, एक चीज बताना मेरे को, क्वेश्चन ये है कि वाइड रेशियो कोर्स पार्टिकल में ज्यादा होता है कि फाइन पार्टिकल में ज्यादा होता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, कोर्स पार्टिकल बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में फाइन पार्टिकल में वाइड रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग दो प्रकार के वाइड की बात किए थे, एक इंडिविजुअल वाइड की बात किए थे और टोटल वाइड की बात किए थे। जिसमें टोटल वाइड ज्यादा होता है उसमें वाइड रेशियो ज्यादा होता है। टोटल वाइड किस में ज्यादा होता है, फाइन पार्टिकल में टोटल वाइड ज्यादा होता है, ना कि कोर्स पार्टिकल में, कोर्स पार्टिकल में इंडिविजुअल वाइड ज्यादा होता है, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, आगे देखते हैं। तो वाइड रेशियो याद रखना, वाइड रेशियो क्या होगा, 0.55 से कम होगा, रिलेटिव डेंसिटी 70% से ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक। अब सेकेंड जो आते हैं, लोकल शियर फेलवर में आते हैं, लोकल शियर फेलवर, लोकल शियर फेलवर का आपको दिख रहा होगा ये फाउंडेशन है और ये उसका स्ट्रेस जोन है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेस जोन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जोन पहुंच सकता है, नहीं पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन पहुंच भी सकता है, ठीक है, स्लाइटली पहुंच सकता है। उसमें क्या दिख रहा था कि वो 100% वो स्ट्रेस जोन जो है वो ऊपर तक पहुंच जाता था, लेकिन इसमें क्या है, या तो नहीं पहुंचता, और पहुंचता भी है तो एकदम स्लाइटली पहुंचता है, ठीक है ना, स्लाइटली पहुंचता है, बस इतना याद रखना। इसमें भी आपको फेलवर प्लेन दिख रहा होगा स्ट्रेस जोन का, ये वेल डिफाइंड नहीं होता, इसको आगे पढ़ते हैं समझ आएगा। इट इज ऑकर इन लूज सैंड, ठीक है, वो पहले वाला क्या था आपका, मीडियम टू डेंस सैंड में ऑकर होता था, और वो क्या था कि कोहेजिव की नॉन कोहेजिव, वो नॉन कोहेजिव में ऑकर होता था, ये कोहेजिव सॉइल में ऑकर होता है, कोहेजिव सॉइल में ऑकर होता है, ठीक है, कंप्रेसिव सॉइल में ऑकर होता है, डीप फाउंडेशन इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो कुल मिला के डीप फाउंडेशन में लोकल सियर फेलवर ऑकर होता है, डीप फाउंडेशन में लोकल सियर फेलवर ऑकर होता है, जनरल सियर फेलवर किस में ऑकर होता था, सेलो फाउंडेशन में, सॉफ्ट क्ले लूज सैंड में ये ऑकर होता है। अगला पॉइंट, फाउंडेशन डज नॉट टिल्ट, इसमें फाउंडेशन टिल्ट नहीं होता, लोकल सियर फेलवर के कारण फाउंडेशन टिल्ट नहीं होता। एंड इसमें वही मैं बोला ना, हीविंग या फिर बल्गिंग जो है वो या तो नहीं ऑकर होता, और ऑकर होता है तो बहुत लेस या फिर स्लाइटली हीविंग ऑकर होता है। फेलवर इज नॉट सडन, इसमें फेलवर सडन नहीं होता है,
ये क्या हो रहा था। फेलवर सडन नहीं होता, ठीक है, फेलवर सडन नहीं होता कहने का मतलब समझ रहे हो कि फेलवर से पहले इंडिकेशन देता है, जबकि जनरल सीयर फेलवर में क्या होता था, फेलवर से पहले इंडिकेशन नहीं देता था, इसमें फेलवर से पहले इंडिकेशन देता है, सडन फेलवर देखने को नहीं मिलता है। वेल डिफाइंड फेलवर प्लान नॉट फाउंड, जैसे मैं पहले भी बताया इसमें जो फेलवर प्लान होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। जब अंतर करते समझना जनरल सीयर फेलवर और लोकल सीयर फेलवर में, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और याद रहेगा लंबे समय तक। तो इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड फेलवर प्लेन नहीं मिलता, उसमें जनरल सीयर फेलवर में मिलता था, ठीक है। उसके बाद फिर बिफोर फेलवर लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड, जैसे मैं पहले ही बताया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों तो सेम ही है क्या, दो दो बार लिखा गया। फेलवर इज नॉट सडन लिखा था, तो इसमें भी वही चीज बोला है कि फेलवर होने से पहले क्या होता है, लार्ज सेटलमेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 28 या फिर 29 लिख दिया हूँ क्या, 28 भी कर सकते हो उसको, 28 डिग्री से कम होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 35 से लेके 70% के बीच में होती है, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 35 से 70% के बीच में होती है। जनरल सीयर फेलवर में कितना होता था पूछूंगा तो क्या बोलोगे, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती थी, तो 70% से ज्यादा होती थी वहाँ, ठीक है। और यहाँ पर वाइड रेशियो 75% या फिर 0.75% से ज्यादा होता है, यहाँ पर वाइड रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर फाइन सॉइल कोहेसिव सॉइल देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं पंचिंग शेयर फेलवर, ये तीसरे प्रकार का फेलवर है जो कि शेयर फेलवर का तीसरा टाइप है, पंचिंग शेयर फेलवर, ओके। तो इस प्रकार का जो फेलवर होता है लगभग जो है वो ऊपर वाले लोकल शेयर फेलवर के बराबर ही होता है। तो जो जो अंतर है उसको मैं बता रहा हूँ कि ये भी आपका डीप फाउंडेशन में होता है, अच्छा ये डीप फाउंडेशन में ही होगा पंचिंग शेयर फेलवर, लेकिन जो इससे ऊपर वाला जो देखे ना लोकल शेयर फेलवर, ये डीप फाउंडेशन में या फिर मॉडरेट फाउंडेशन में भी हो सकता है, चलो में नहीं होगा, डीप फाउंडेशन या फिर मॉडरेट फाउंडेशन बोल सकते हो, जबकि पंचिंग शेयर फेलवर केवल और केवल डीप फाउंडेशन में होगा। उसमें हम लोग देखे थे लोकल सीयर फेलवर में कि वो कंप्रेसिव सॉइल में होता था, ये भी कंप्रेसिव लेकिन और ज्यादा कंप्रेसिव सॉइल होगा, और ज्यादा फाइन सॉइल होगा, और ज्यादा कोहेसिव सॉइल होगा, समझ में आते जा रहा है। तो वेरी हाई कंप्रेसिव सॉइल में अपने को पंचिंग शेयर फेलवर देखने को मिलता है, बिफोर फेलवर वेरी लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड, बाकी सब चीज सेम रहेगा, है ना। तो ये भी आपका फेलवर से पहले इंडिकेशन देगा और वेरी लार्ज इंडिकेशन देता है, और उसके अलावा इसमें भी टिल्टिंग नहीं होता, लोकल सीयर फेलवर में भी आपका जो फाउंडेशन है वो टिल्ट नहीं होता था, और इसमें हीविंग नहीं होगा। लोकल सीयर फेलवर में हम लोग क्या पढ़े थे कि हीविंग नहीं होगा या फिर हो भी सकता है, होगा तो एकदम स्लाइटली होगा, लेकिन यहाँ हीविंग नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा हीविंग। आगे समझ में एकदम मैं रिलेट करते हुए अंतर बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ या फिर मेथड टू डिटरमाइन द बीयरिंग कैपेसिटी, बीयरिंग कैपेसिटी के मेथड्स पढ़ेंगे कि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं शेलो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा शेलो फाउंडेशन ही चल रहा है अभी, देखते हैं। तो पहला एनालिटिकल मेथड हो सकता है, एनालिटिकल को ही हम लोग स्टैटिक मेथड भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फील्ड मेथड होता है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, फील्ड मेथड फील्ड में होगा, ओके। एनालिटिकल मेथड थ्योरेटिकल मेथड होगा, तो फील्ड मेथड में कौन कौन सा हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट लोड टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, तीनों टेस्ट के बारे में देखेंगे बाद में। और अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड को ही हम लोग स्टैटिक मेथड बोल रहे हैं, तो ये जो होता है इलास्टिक थ्योरी होता है, इसके अंतर्गत में क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी होता है, और इसके अलावा प्लास्टिक थ्योरी भी इसके अंतर्गत में आता है। इलास्टिक थ्योरी के अंतर्गत में स्क्लेचर्स इक्वेशन आता है, स्क्लेचर्स इक्वेशन इलास्टिक थ्योरी के अंतर्गत में आता है, इसमें अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इलास्टिक थ्योरी एक थ्योरी है, किसके लिए है, एनालिटिकल मेथड के लिए है, किसके एनालिटिकल मेथड, तो सेलो फाउंडेशन के बीयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंतर्गत में रेंकाइन थ्योरी आता है, बेल्स थ्योरी आता है, पेकर्स थ्योरी आता है, जिसमें हम लोग रेंकाइन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेंकाइन थ्योरी, बाकी बेल्स और पेकर्स का बस नाम याद रख लेना, ठीक है। वैसे ही हम लोग प्लास्टिक थ्योरी देखेंगे, तीसरा थ्योरी प्लास्टिक थ्योरी, जिसमें हम लोग तरजायगी के बारे में पढ़ेंगे ठीक ठाक रूप से, और उसके अलावा प्रेंडर्स उसी से रिलेटेड है तरजायगी से, तो वो भी समझ में आ जाएगा, स्केम्पटन के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक, और मेयर हॉफ के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो जो जो आपका सर्कल दिख रहा होगा, इलेप्टिकल शेप दिख रहा होगा, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है, बाकी का नाम आप लोग अभी से याद रख लो। क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी में क्या आता है, प्लास्टिक थ्योरी के अंतर्गत में क्या आता है, इलास्टिक थ्योरी के अंतर्गत में क्या आता है, और ये सब थ्योरी जो है वो किसके लिए है, तो ये सब रिलेट करते चलो अच्छे से याद करो, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा
तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।